स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बांसुर। चलिए बेटा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको याद है हमने माउथ से फूड को इंटेक किया था, उसके बाद माउथ में स्टार्च का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो चुका था। आफ्टर दैट फूड एंटर इनटू द फूड पाइप, फूड पाइप से फूड कहा गया था स्टमच के अंदर, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। स्टमच के बाद फूड एंटर हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही मेन फंक्शंस कंप्लीट हुए थे कि वहां पे डाइजेशन कंप्लीट हुआ था, वहां पे फूड का एब्जॉर्प्शन भी हुआ था, एंड दैट वन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हमारा फूड जाता है, इफ यू रिमाइंड द स्ट्रक्चर, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो यहाँ पे इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन थी और स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर जो पार्ट था दैट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके बेटा, तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो गया तो जो भी वेस्ट फूड है वो कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है बेटा, कहाँ चला गया, दैट वन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं। वन इज दैट, इसको बोलते हैं असेंडिंग पार्ट, दिस इज ट्रांसवर्स पार्ट एंड दिस इज डिसेंडिंग पार्ट। ओके, दिस इज असेंडिंग पार्ट, दिस इज ट्रांसवर्स पार्ट and this one is descending part, descending part। okay, आप देखिए यहां से फूड जैसे ही एंटर होता है तो ऐसा नहीं है कि ये फूड को इजीली अलाउ कर देते हैं, नहीं, ये फूड मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ये फूड मॉलिक्यूल्स? ओके बेटा, अब होगा क्या, देखिए हालांकि एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कर चुकी है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहती है, नहीं आई डोंट हैव बिलीव ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पता नहीं उसने कुछ छोड़ भी दिया हो फूड के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है यहाँ पे, इसका जो मेन फंक्शन है आपको याद रखना है। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए वैसे इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है बट इसकी जो लेंथ है दैट इज अबाउट 1.5 मीटर ओनली। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कितना कम है, अबाउट 6 मीटर। ओके, आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहते हैं, आई डोंट हैव बिलीव ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये क्या करती है, रीअब्सॉर्प्शन, क्या काम करती है, रीअब्सॉर्प्शन, यानी जो भी फूड पार्टिकल लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जाएंगे तो इनकी जो वॉल्स है ये क्या करेंगे, फूड से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें बच गई है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर भी इम्पोर्टेंट है, बॉडी में वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, हर पूरे जो है इसमें ऐसे ही प्रोसेस होगा। ठीक है, हर पार्ट पे यानी हर साइड में ये क्या करेगी, वाटर, साल्ट या और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर इसको दिखाई देंगे तो ये इसको रीअब्सॉर्ब कर देगी। व्हाई वी आर सेइंग रीअब्सॉर्ब, क्योंकि देखिए एब्जॉर्प्शन का काम तो कौन कर चुका है, एब्जॉर्प्शन का काम तो ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म कर चुकी है, तो ये दोबारा से एब्जॉर्ब करती है, यानी जो भी फूड कंपोनेंट्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बच गई ये उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड जाता है वो जाता है रेक्टम पार्ट में, इस पार्ट में रेक्टम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेक्टम, दिस वन। अब रेक्टम में क्या होता है, फूड टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर होता है, फूड नहीं है वो, फॉर टेम्परेरी बेसिस और टेम्परेरी टाइम, फूड नहीं है, दैट इज वेस्ट मटेरियल। भाई फूड तो आपने इनटेक किया, आपने उसका डाइजेशन किया, फूड से आपने एनर्जी टेकन की। ठीक है, अब जो वेस्ट बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या कुछ भी है जो वेस्ट बच गया, वो वेस्ट मटेरियल कहां था, रेक्टम में, एंड वी हैव टू बी रिलीज इट टू द एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो एनस है, एनस से क्या करते हैं, वेस्ट रिमूवल करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये पूरा बेटा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था, आपको पूरा इसको प्रॉपरली लर्न करना है। अच्छा, डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, माउथ में या वोकल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का या
आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। इसके बाद फूड कहाँ जाता है? स्टमच में, डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक चीज जो आपको याद रखनी है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले केस में, इसमें आपको याद रखनी है, अगर आपको याद है तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को चेंज करना चाहूंगी। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ये पार्ट था, यानी यहाँ पे आपका स्टमच था, ठीक है। अच्छा, दो चीजें जो आपको स्पेशली इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है, एक तो था आपका लीवर। मैंने लीवर के बारे में आपको बता दिया था कि रेडिश ब्राउन कलर की है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और लीवर कौन सा जूस रिलीज करता है? बाइल जूस। बाइल जूस थोड़े टाइम के लिए कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। उसके बाद देखिए लीवर अपना जूस जो है वो इसमें रिलीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। साथ में देखिए यहाँ पे एक और पार्ट होता है, एक और ग्लैंड भी है ये, जिसका नाम है पैनक्रियाज। क्या नाम है इसका? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। ये भी कौन सा जूस रिलीज करता है? पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। तो लीवर का बाइल जूस, अंडरस्टैंड, और पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस, ये भी इस ट्यूब के थ्रू कहां चले जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान रखना बेटा, इसीलिए स्मॉल और कुछ इंटेस्टिनल जूस हो जाते हैं, इंटेस्टाइन खुद रिलीज करती, सारे जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और इसीलिए जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहां कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? ओके। उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलता है? एनस के थ्रू। स्टोर कहां होता है? रेक्टम में। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हमें स्टार्ट करना है एनिमल्स का। बहुत छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम है एनिमल का डाइजेस्टिव, यानी रूमिनेट जो घास खाते हैं, प्लस एक हमें देखना है अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हैव ए गुड डे, टेक केयर।